सो हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को दूंगी एक कटहल की रेसिपी, कटहल की सब्ज़ी, जो कि सूखी सब्ज़ी हम बनाएंगे कटहल की। तो चलिए बता देती हूँ कि इसको बनाना कैसे है। तो यहाँ पे कटहल ले लेना है। कटहल जो है मार्केट से ही कटे हुए अभी तो मिल जाते हैं। अगर आप लोग अगर घर में काट रहे हैं तो छोटे छोटे पीसेस जो भी है कर सकते हैं। तो कटहल को जो है पहले एक पानी से अच्छे से धो लेना है। धोने के बाद एक पतीले में जो है पानी गर्म करेंगे, उसमें हल्दी और नमक डालेंगे और ये कटहल जो है उसमें हम डाल देंगे। थोड़ा सा बॉईल कर लेंगे तो उसका जो भी वो चिपचिपापन होता है वो इजीली निकल जाता है। तो यहाँ पे 4 से 5 मिनट बाद देख सकते हैं आप, कटहल जो है थोड़े से ना आधे अधूरे पक गए हैं। तो अब इनको ना हम लोग एक टोकनी में या फिर जालीदार वाले बर्तन में छान के अलग से रख लेते हैं। फिर इसमें ना एक कढ़ाई लेना है, कढ़ाई में डालना है थोड़ा सा तेल और उसका मसाला हम पहले यहाँ पे तैयार कर लेते हैं। तेल डालने के बाद उसमें ना 5 से 6 जो है लहसुन की कलियाँ डाल देना है। मैंने तो ऐसे ही खड़े ही डाल दिया, आप लोग चाहे तो कट करके डाल सकते हैं। और डाल देना है थोड़ा सा जीरा और रफली चॉप किया हुआ यहाँ पे मैं प्याज का यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने इसको जो है कटर में मैंने इनको चॉप कर लिया है। आप लोग अगर हाथ से काट रहे हैं तो साइज़ जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, मीडियम ही रहेगा तो वो सही रहेगा। तो इसको ना बहुत अच्छे से प्याज को जो है हम भून लेंगे। प्याज यहाँ पे भून जाने के बाद इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन और जीरे का पेस्ट डाल देंगे। साथ ही इसमें ऐड कर दे रहे हैं कुछ मसाले। तो मसाले इसमें जो हमारे जाएंगे वो है हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर का जो क्वांटिटी है तीखा आप लोग अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। फिर डाल देना है थोड़ा सा 1 चम्मच के लगभग जो है हम धनिया पाउडर इसमें डाल देंगे और डाल देंगे गरम मसाला और डाल देंगे सब्जी मसाला। सब्जी मसाला जो है आप लोग एवरेस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं और किचन किंग भी जो आता है वो भी आप लोग डाल सकते हैं। तो इसमें मसाले जो हैं वो जलने नहीं चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा ना पानी डाल के मसालों को बहुत अच्छे से पकने देंगे। तो मसाले को जो है ढक ढक के पका लेना है। तो हमारे मसाले जब तक पक रहे हैं, जब तक हम जो है हमारे कटहल जो हैं उनको हम थोड़ा सा भून लेंगे, फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं दूसरी कढ़ाई का यूज़ कर रही हूँ। आप लोग चाहे तो पहले ही कटहल जो है भून के रख सकते हैं, तो है ना। तो कटहल ले लेना है और एक कढ़ाई लेना है, कढ़ाई में डालना है तेल, थोड़ा तेल ना यहाँ पे ज़्यादा ही डालेंगे और कटहल को उसमें डाल देना है। और कटहल को हम लोग जो है ना थोड़ा सा अच्छे से ना भून लेंगे। भुना हुआ कटहल का जो टेस्ट आता है ना वो थोड़ा सा अच्छा ही लगता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो फिर इसमें डाल देना है नमक डालेंगे और हल्दी और डाल देंगे मिर्ची पाउडर। मिर्ची पाउडर थोड़ा सा कम ज़्यादा करके ही आप लोग जो है डाल सकते हैं, क्योंकि हमने मसालों में भी मिर्ची का पाउडर का जो है वो यूज़ किया है और यहाँ पे भी मैं मिर्ची पाउडर का यूज़ कर रही हूँ। और साथ ही इसमें डाल देना है एक बड़े साइज़ का प्याज, जो कि हम लोग मंचूरियन वगैरह बनाते हैं तो उसमें प्याज का यूज़ किया जाता है ना, जो ऐसे डब्बे डब्बे स्क्वायर साइज़ के जो प्याज होते हैं वो कटे हुए होते हैं, तो वैसा ही इसमें प्याज डाल देंगे। और इनको भी साथ में हम 1 से 2 मिनट तक जो है प्याज को अच्छे से भून लेना है। फिर तो चलिए अब बढ़ते हैं मसालों की तरफ। तो मसाले यहाँ पे बहुत अच्छे से पक गए हैं। मसाले अगर पैन में लग रहे हैं या फिर चिपक रहे हैं तो आप लोग जो है थोड़ा थोड़ा पानी का यूज़ कर सकते हैं मसालों को पकाने के लिए। और मैं यहाँ पर एकदम ही फ्रेश वाला क्रीमी क्रीम का यूज़ कर रही हूँ। घर की जो मलाई होती है यहाँ पे मैं वो यूज़ कर रही हूँ, फ्रेश मलाई। और मलाई डालने के आधी कटोरी के लगभग जो है मैंने यहाँ पे मलाई का यूज़ किया है। तो मलाई डालने के बाद जो है थोड़ा सा बस मलाई को मिक्स कर लेना है और फिर उसमें डाल देंगे हम कटहल, भुना हुआ जो हमने भुना था साइड में कटहल वो उसमें डाल देना है। और डालने के बाद कटहल को बहुत अच्छे से ना मिक्स कर देना है। अगर यहाँ पे भी जो है थोड़ा बहुत पानी का जो कमी लग रहा होगा, नहीं ज़रूरत पड़ रही है डालने की, तो ही आप लोग इसमें पानी डालें, नहीं तो ना डालें। और फिर इसको ना थोड़ा सा कम आंच करके ढक देंगे, तो जिससे क्या होगा सब्जी और मसाले जो है बहुत अच्छे से ना मिक्स हो जाएंगे। धीमे धीमे आंच पे जो सब्जियाँ पकती है ना उसकी ना सेंट ही अलग आती है, टेस्ट ही अलग आता है उसका और खुशबू जो है वो अलग ही आती है ना। सो इसलिए ऐसे ही जो है अच्छे से पका लेना है। और फिर इसमें डाल देना है कस्तूरी मेथी। कस्तूरी मेथी डालने के साथ ही इसमें डाल देंगे दही। तो मैं यहाँ पर एकदम क्रीमी वाला जो फुल क्रीम वाला कर्ड होता है तो मैं यहाँ पर वो यूज़ कर रही हूँ। दही जो है ना बहुत ज़्यादा दिन का आप लोग यूज़ नहीं करेंगे, 1 दिन बनी हुई दही इसमें जो है यूज़ करेंगे, चाहे फिर वो मार्केट वाला यूज़ कर रहे हो आप लोग या फिर घर का यूज़ कर रहे हैं। अच्छे से डाल के
इसको जो है मिक्स कर देना है। अगर आप लोग यहाँ पे दही जो है ना वो फेंट के डालना चाहते हैं, मतलब कि अच्छे से मिक्स करके, तो वो भी डाल सकते हैं। अगर ऐसे ही डाल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने आप जो है सब्जी हम लोग चलाते हैं तो वो मिक्स हो जाता है। तो इसमें डाल देना है थोड़ा सा नमक। नमक ध्यान रखना है, पहले हमने कटहल को भूनते टाइम भी नमक डाला था, तो बाद में यहाँ पे जो है मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ सब्जी और मसालों के हिसाब से। तो यहाँ पर हमारी सब्जी जो है कटहल की सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है। और डाल देना है इसमें ऊपर से थोड़ा सा धनिया का पत्ता। मैंने ये इसमें जो है सब्जी में बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखी है, अगर आप लोग चाहें तो सेमी ग्रेवी में ये सब्जी बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। मैंने इसमें बस उतनी ही ग्रेवी रखी है कि जितना आप मतलब हम रोटी के साथ या फिर चावल के साथ ईजीली खाया जा सकता है। और इसकी जो कटहल है वो बहुत अच्छे से पक गए हैं, आप लोग देख सकते हैं, पकने में टाइम नहीं लगा है, सब्जी जो है बहुत जल्दी बन जाती है। तो बहुत ही प्लेन और सिंपल तरीके से मैंने आप लोगों को कटहल की सब्जी बताई है। उम्मीद करती हूँ कि रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी, आप लोग एक बार ज़रूर ऐसे बनाकर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी और हर बारी आप लोग ऐसे ही बनाएंगे। और ये सब्जी ना अगर कोई ज़्यादा तीखा खाने वाला है ना, तो ये सब्जी जो है थोड़ा सा अगर स्पाइसी बनाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी और बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। कुछ कुछ सब्जियाँ होती है ऐसी जो ना स्पाइसी अच्छी लगती है, तो आप लोग कटहल की सब्जी बनाइएगा ज़रूर, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो चलिए आप लोग बनाइए, खाइए, इंजॉय करिए। मैं आप लोग से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल गाइज। बाय बाय।